गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारे जीवन में पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए जब भी समय मिलता है आप पढ़ाई किया करो। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सर्चिंग फॉर एडवाइजर, मतलब सलाहकार के लिए खोज। लॉन्ग लॉन्ग एगो समर सिंह वॉज द किंग ऑफ सम्राटपुर। ही हैड बिकम वेरी ओल्ड। He knew that he would not live long. He had one son, Arjun, who was very young. बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, सम्राटपुर का एक राजा समर सिंह थे। ये बहुत बूढ़े हो चुके थे और ये जानते थे कि अब ये बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इनका एक पुत्र था अर्जुन, जो बहुत यंग था, यानी कि नौजवान था। इसीलिए सो समर सिंह वांटेड टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर अर्जुन, हु वुड टेक गुड केयर ऑफ हिम एंड ऑलवेज हेल्प इन टेकिंग राइट जस्टिस। इसीलिए समर सिंह चाहते थे कि वे अपने बेटे अर्जुन के लिए एक अच्छा सलाहकार चुने, जो कि इनका अच्छे से देखभाल कर सके और सही न्याय लेने में इनका सहयोग कर सके। वन डे ही आस्क्ड द पीपल इन हिज कोर्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ किंग एम आई। एक दिन राजा अपने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा कि मैं किस प्रकार का राजा हूँ। एवरीबडी सेड, योर मजेस्टी, यू आर द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। सभी दरबारी लोग कहते हैं कि महाराज, आप एक बुद्धिमान और बहुत अच्छे पूरे संसार में राजा हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और बुद्धिमान राजा आप हैं। द किंग गेव ईच पर्सन अ डायमंड, बट देयर वॉज वन पर्सन हु वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस। राजा प्रत्येक व्यक्ति को एक एक डायमंड दिए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो वहाँ पर कॉर्नर में बैठा हुआ था और वह मुस्कुरा रहा था। द किंग आस्क्ड हिम, एक किंग है, इन्होंने उससे पूछा, व्हाई आर यू स्माइलिंग एंड व्हाई डिडंट यू आंसर माय क्वेश्चन। इन्होंने इसे पूछा कि तुम कॉर्नर में बैठे हुए स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम हमारे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिए। द यंग पर्सन गॉट अप एंड सेड, योर मजेस्टी, माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू माइट नॉट लाइक इट, दैट्स वाई आई एम क्वाइट। यंग व्यक्ति खड़ा होता है और कहा कि महाराज, मेरे जो आंसर हैं वह सभी के आंसर से अलग है, शायद आप इसे पसंद नहीं करेंगे, दैट्स वाई आई एम क्वाइट, इसीलिए मैं शांत हूँ। द किंग सेड सरप्राइजिंगली, डोंट वरी, आंसर माई क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन एंड फियर,
आई वॉन्ट टू हियर योर डिफरेंट आंसर। राजा आश्चर्यचकित होते हुए कहे, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिना कोई डर के और हेजिटेशन के तुम मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो अलग तरह का आंसर है, उत्तर है, उसे मैं सुनूं। द यंग पर्सन आंसर्ड, नो डाउट यू आर अ वाइज एंड गुड किंग, बट देयर आर सो मेनी किंग्स मच वाइजर एंड बेटर देन यू। यंग व्यक्ति उत्तर देता है और कहता है कि महाराज, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है कि आप बुद्धिमान हैं और एक अच्छे राजा हैं, लेकिन आपसे भी कई बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो आपसे बुद्धिमान हैं और आपसे भी अच्छे हैं। द किंग लेफ्ट द कोर्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड, राजा बिना कुछ कहे कोर्ट से चला जाता है, दरबार से चला जाता है। सून द किंग रिटर्न्ड विथ अ बिग डायमंड, ही हैंड ओवर द डायमंड टू दैट यंग मैन एंड सेड, यू आर एन ऑनेस्टी मैन, आई लाइक योर रिप्लाई, यू आर अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ अर्जुन। राजा जल्द ही लौट कर आते हैं और एक बड़े से डायमंड हाथ में लिए हुए रहते हैं, और उस डायमंड को राजा जो हैं उस यंग व्यक्ति को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और मैं तुम्हारे आंसर से खुश हूँ, मुझे तुम्हारा आंसर पसंद आया और इसीलिए मैं तुम्हें अपने बेटे अर्जुन के लिए एक एडवाइज़र के रूप में चुनता हूँ। द नेक्स्ट डे द अदर कॉर्टियर्स केम टू द किंग एंड सेड, योर मैजेस्टी, वी टुक द डायमंड्स दैट यू गेव अस एवरी गिव अस यस्टरडे टू द ज्वेलर्स, ही टोल्ड अस दैट दे आर नॉट रियल, व्हाई डिड यू डू विथ अस। अगले दिन अदर कॉर्टियर्स यानी कि अदर दरबारी जो थे वे राजा के पास आए और कहे कि महाराज, आपने जो हमें डायमंड दिया है उसको मैं लेकर दुकान में जब गया, ज्वेलरी के दुकान में, तो ज्वेलरी ने बताया कि यह रियल डायमंड नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया हम लोगों के साथ। समर सिंह सेड, यस द डायमंड्स वर नॉट रियल, दे वर एज फॉल एज यू एंड योर वर्ड्स। समर सिंह ने कहा, हाँ, डायमंड्स वास्तविक नहीं थे, वे वैसे ही गलत थे जैसे कि तुम सभी ने उत्तर दिया था और तुम्हारे जो शब्द थे उसी के जैसा डायमंड भी रियल डायमंड नहीं था। दैट यंग मैन वॉज एन ऑनेस्टी पर्सन एंड हिज डायमंड वॉज रियल, और वह जो यंग मैन है वह ऑनेस्ट व्यक्ति था, इसीलिए उसका डायमंड भी वास्तविक था। ऑनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड, ईमानदारी हमेशा प्राइस के योग्य होता है, यानी जो ऑनेस्ट होता है उस पर सभी विश्वास करते हैं और जो ऑनेस्ट होता है उसी को प्राइस यानी पुरस्कार भी दिया जाता है। एन ऑनेस्ट पर्सन इज ट्रस्टेड बाय ऑल, एन ऑनेस्ट पर्सन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, ईमानदार व्यक्ति पर सभी कोई विश्वास करते हैं और जो ईमानदार व्यक्ति होता है वह भगवान के भी प्यारा होता है, भगवान के लिए भी बहुत अच्छा व्यक्ति होता है और भगवान उसका हेल्प करते हैं।
बच्चों आप सभी स्टोरी सुने और इस स्टोरी से आप लोगों ने सीखा कि अपने जीवन में हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए और जो सत्य बोलता है यानी जो ईमानदार होता है उस पे सभी लोग विश्वास करते हैं और भगवान भी उन्हीं लोगों को ब्लेस करते हैं। बच्चों अब आगे है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में है वर्ड मीनिंग ए एडवाइज़र। एडवाइज़र मतलब होता है ए पर्सन हु गेव गुड एडवाइस, यानी कि जो व्यक्ति अच्छा सलाह देता है उसको एडवाइज़र कहते हैं। जस्टिस द मेंटेनेंस ऑफ लॉ, यानी कि जस्टिस यानी न्याय होता है। मजेस्टी मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी, मजेस्टी जो सबसे अधिक पावरफुल होते हैं उनको कहते हैं। सरप्राइजिंगली यानी सडन फीलिंग, यानी कि आश्चर्यचकित होना। डाउट टू बी अनसर्टेन इन ओपिनियन अबाउट, यानी कि दुविधा होना। हैंडेड ओवर गिव टू मतलब देना। अपॉइंटेड एंड एंगेजमेंट टू मीट, यानी कि किसी पोस्ट पर अपॉइंट करना यानी चुनना। नोबलेस्ट ए पर्सन ऑफ नोबल बर्थ,